हाँ, सो हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ओके? सो न्यूमेरिकल देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अराउंड 7 to 8 न्यूमेरिकल्स हैं। बीच बीच में जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने वही थियरी के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे, जो एग्जाम्पल देकर वो साइंटिफिक नोटेशन और यूनिट कन्वर्जन के बेस था, वो वाला भी आएगा, मैं बताता हूँ। जैसे ये रहा डायमेंशनल एनालिसिस, अ पीस ऑफ मेटल 3 inches लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर, तो वो सब हमने देख लिया था, ओके? ये एग्जांपल है। फिर ये दूसरा एग्जांपल है, अ जग कंटेन्स 2 liters ऑफ मिल्क, उसको हमें मीटर क्यूब में बताना है। एंड एक था हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days, वो भी हमने देखा था। तो ये सब न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। जो नंबर वाइज ऐसे न्यूमेरिकल बोला है कि प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके? तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 को अगर हम डिस्कस करें, वीडियो स्टार्ट किया क्या हमने? हाँ, कर लिया है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फाइंड करो। ये तो भाई 9th से करते आ रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ओके? नहीं तो गिवन नहीं हो तो भी तुम्हें याद रखना है, C6H12O6। डन। ग्लूकोज का, ग्लूकोज बोले, सुगर बोले, सब में यही फॉर्मूला तुम लिखोगे। सो वर्डिंग्स में अच्छे से लिखना कि भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू। अब तुम्हें पूरा सेंटेंस वाइज सब कुछ लिखना है, मैं सिर्फ तुम्हें आंसर कैसे लाना है वो बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि हम कंसेप्ट समझ रहे हैं ना। सो मॉलिक्यूलर मास, उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। डन, यही है। थोड़ी पेन रंगीन करते हैं। हाँ, सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। अब हमें फाइंड करना है, तो ये फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए उसमें जो जो भी एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक मास क्या है। वो एलिमेंट का मोलर मास और एटॉमिक मास क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो वो लिख लो, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 12 g/mol। डन, ओके? देन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 g/mol, ओके? एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना होगा, 16 g/mol। और डायरेक्टली हम ये मोल में बोल रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मोलर मास भी वही है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सिर्फ ग्राम लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज ढूंढना है, तो दैट्स इट, बस ये पता तो चल गया कि भाई मेरे पास 6 carbon है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा पहले वर्डिंग में कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1 प्लस 6 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और फिर सेकंड स्टेप में तुम लिख दोगे विच इज 16। तो ये कितना हुआ, जो भी आया 180 आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा, तो उन्होंने, देखो उन्होंने क्या लिया हुआ है, एग्जैक्ट लिया हुआ है। हमें थोड़ी पता है एग्जैक्ट, तो हमारा आंसर तो यही आएगा क्या, 96 × 2, 96 + 2 98 और 10 108 और 2 110 एंड 7180। यस, सो 180 हमारा जो मॉलिक्यूलर मास बोला है दैट इज 180 g, ओके? डन। और ये हमने सारे ग्राम पर मोल बोले हैं, तो ये भी बोल दो तुम ग्राम पर मोल, और सिर्फ ये सारे ग्राम में बोलोगे तो ये भी हम बोलेंगे ग्राम। अंडरस्टूड? और कुछ भी समझ में ना आए ना, तो एटलीस्ट जैसे बुक में क्या है वैसे क्या, यूनिट ऐसे करके आना, लेकिन यूनिट भी लिखना, नहीं तो वो सोचेंगे 180 क्या। अंडरस्टूड?
सिंपल था ये, तो हमने क्लास चैप्टर के अंदर भी किया था कि भाई H2O का CO2 का वो सब फाइंड करो, डन सिंपल है। ओके तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। सेकंड,